Good morning guys, once again welcome back on my YouTube channel. And that's not my YouTube channel, that's your YouTube channel, that is Biochem Eduxer, which is only for the students. Okay, and once again most welcome back. And हम लोगों ने previous class में activity number 3.11 के बारे में discuss किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि magnesium का reaction nitric acid के साथ बहुत fastly होता है, और magnesium और manganese ही दो metals हैं जो कि hydrogen gas produce करते हैं. Okay, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरीके से magnesium is greater than aluminium is greater than zinc and greater than iron. Okay guys, उसके बाद अब हम चलिए एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं एक्वारेजिया के बारे में, जो एक इन्फॉर्मेशन है जो बच्चों को मालूम नहीं रहता है. एक्वारेजिया क्या होता है बच्चों? इट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1. यानी कि अगर मैंने HCl लिया है 75% एंड नाइट्रिक एसिड लिया हुआ है 25%, ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा एक्वारेजिया, विच वेरी मच हाई रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये, ठीक है गाइज. ओके, ये होता है एक्वारेजिया. अगर किसी रिएक्शन में इनका यूज़ किया जाए तो डेफिनेटली लगभग सभी मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं. ओके, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू सो अलोन. यानी कि गोल्ड जो कि हम बोलते हैं Au4 ऑरेट, ऑरेट का मतलब गोल्ड होता है, जो कि हम नॉन रिएक्टिव मेटल में काउंट करते हैं, जो प्लेटिनम के बाद सेकेंड रैंक रखता है पूरे वर्ल्ड में, ये जो है ये मतलब एक्वारेजिया के साथ रिएक्ट करता है, बाकी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है. तो सोच सकते हैं इट इज़ टू मच रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव. एक्वारेजिया इज अ हाईली करोजिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड. हाईली करोजिव कहने का मतलब हाईली रिएक्टिव है, फ्यूमिंग कहने का मतलब है कुछ लिक्विड से हमेशा धुआं निकलते रहता है, भाप निकलते रहता है. इट इज़ टू मच, दिखने में भी बहुत डेंजरस होता है. कौन? एक्वारेजिया. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. And it's one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum. बहुत ही कम reagent हैं एक्वारेजिया के जैसे जो कि gold और platinum दोनों के साथ react करते हैं, जिनमें से एक्वारेजिया बहुत ही famous reagent है. Okay guys, अगर आप लोगों से किसी ने पूछ दिया चलो भाई बताओ एक्वारेजिया क्या होता है, तो अब आप लोग जवाब दे पाएंगे ना? Yes. क्या जवाब देंगे? आप लोग बोलेंगे कि एक्वारेजिया का मतलब होता है HCl एंड नाइट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन, जिसमें से HCl होता है 3 part एंड नाइट्रिक एसिड होता है 1 part, एंड इट इज टू मच रिएक्टिव, कॉल्ड एज एक्वारेजिया, विच कैन एबल टू डिजॉल्व इवन गोल्ड. गोल्ड को भी डिजॉल्व करता है, डिजॉल्व करने का मतलब है रिएक्ट कर देता है, ठीक है गाइस. चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो का एक मेन जो टॉपिक है, दैट इज एक्टिविटी नंबर 3.12. इसमें क्या लिखा हुआ जरा देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट. आखिर मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्शन करता है एक मेटल, दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्शन करेगा एक मेटल, दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, हमको ये पढ़ना है, ठीक है गाइस. तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल. एक आयरन नेल लेना है और एक कॉपर वायर ले लेना है. सो पुट द कॉपर वायर इन द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट FeSO4. आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज FeSO4. इसके अंदर हमको कॉपर वायर डिप कर देना है, डाल देना है. एंड द आयरन नेल इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेक इन द टेस्ट ट्यूब. देखिए हमको एक्चुअली दो टेस्ट ट्यूब में दो डिफरेंट सॉल्यूशन लेना है. पहले कॉपर वायर के लिए लेना है आयरन सल्फेट का, और आयरन नेल के लिए लेना है कॉपर सल्फेट का. ओके गाइस, देखिए हम लोगों ने दो लिया है, कॉपर को डाला है आयरन सल्फेट में और आयरन को डाला है कॉपर सल्फेट में. ऐसे दो टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है गाइस. एंड वी हैव टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट. इतना देखने के बाद हमको ये देखना है कि क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है. चलिए ऑब्जर्वेशन की ओर जाते हैं, प्रोसीड करते हैं, ठीक है गाइस. देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे मैंने डायग्राम भी इसमें हाईलाइट कर दिया है. देखिए सबसे पहले क्या लिया है हम लोगों ने, एक में लिया है कॉपर सल्फेट, दिस इज कॉल्ड कॉपर. एक मिनट जस्ट वेट, पहले डायग्राम को ही हाईलाइट करते हैं. देखिए डायग्राम समझ में आ जाएगा तो पूरी एक्टिविटी समझ में आ जाएगी आपको. देखिए सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये वाला, ये ब्लू वाला, ये कॉपर सल्फेट है, दिस इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट CuSO4. और ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज कॉल्ड एज FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है गाइस. ओके गाइस, अब क्या है कि हम लोग कॉपर सल्फेट में क्या डाल रहे हैं, आयरन का नेल. देखिए डायग्राम में दिखा होगा, कॉपर सल्फेट में हम लोग डाल रहे हैं आयरन नेल, और आयरन सल्फेट में डाल रहे हैं कॉपर वायर, ठीक है. ओके, और दोनों को क्या किया है, थ्रेड से बांधा, जरा ध्यान से देखिए. ओके चलिए अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं थ्योरी पार्ट में कि क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें. देखिए गाइस इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले जस्ट वेट, हाँ इसमें लिखा हुआ है
कि इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज ऑकर्ड, कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगा, कॉपर वाले का आयरन सल्फेट के साथ या आयरन नेल का कॉपर सल्फेट के साथ, ये हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से दैट द रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस, किस बेसिस पे आप बोलेंगे भाई कि रिएक्शन सच में हुआ है, मतलब आपके पास कुछ तो सबूत रहना चाहिए, उसका कलर चेंज होना चाहिए या उसका स्टेट चेंज होना चाहिए या टेम्परेचर चेंज होना चाहिए या वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, कुछ तो चेंजेस होंगे तभी तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई इसमें रिएक्शन हुआ है। कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन इन द एक्टिविटी नंबर 3.9, 10 एंड 11, क्या आप इस एक्टिविटी को आप 3.9, 3.10 और 11 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यू हैव टू राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर दैट एंड देन एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन कि किस टाइप का रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। सो गाइस स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम लोग ये सारी बातों को हम सॉल्व करते हैं। जस्ट हैव पेशेंस एंड प्लीज वॉच द वीडियो वेरी स्मूथली एंड ऑनेस्टली। ओके सो इसमें क्या लिखा हुआ है, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द कंपाउंड इन द सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन फॉर्म। इसका क्या मतलब है, सिंपल सी बात है भाई कि अगर हमारे पास दो मेटल है, एग्जांपल दे रहा हूँ, दो मेटल है, मान लीजिए कि ये कम रिएक्टिव हो गया, ये कम रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अब भाई जो कम रिएक्टिव है उसको तो ये ज़्यादा वाला मार के भगा देगा, है ना, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से बोल रहा हूँ गाइस, मैंने क्या कहा जरा ध्यान सुनिए, मैंने कहा है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, देन इट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, हम लोगों ने देखा है दैट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, हम लोगों ने देखा है कि सभी मेटल एक साथ रिएक्टिव नहीं होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, है ना गाइस। ओके सो वी हैव टू चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड, हमको सभी मेटल का रिएक्टिविटी चेक करना पड़ता है, किसके साथ चेक करना पड़ता है, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ एंड एसिड के साथ। ओके गाइस हमको इनकी रिएक्टिविटी चेक करनी है। चलिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ओके सो बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दिस और रिएजेंट, ये जरूरी नहीं है कि सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। कोई इन तीनों के साथ रिएक्ट करता है, कोई इन तीनों में से दो के साथ रिएक्ट करता है, कोई एक के साथ रिएक्ट करता है और कोई किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। सो वी वेर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल, हम सभी मेटल को इसमें पुट नहीं कर सकते हैं। सो नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव्स बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी इफ मेटल ए डिस्प्लेसेस बी फ्रॉम द सॉल्यूशन। देखिए आपके पास एक यहाँ पे जो है एक छोटा सा एक फॉर्मूला लिखा हुआ गाइस, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ बताइए। फॉर्मूले में लिखा हुआ है मेटल ए प्लस सॉल्ट बी इज गिविंग यू सॉल्ट ए प्लस मेटल पी, सिंपल सी बात है, समझ में आया आपको। चलिए मैं इसको थोड़ा लिख के बताता हूँ स्क्रीन पे, आपको इजी हो जाएगा। देखिए ओके देखिए हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले आयरन नेल को डाला था कॉपर सल्फेट के अंदर, है ना। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आयरन और ये कॉपर सल्फेट बॉन्ड बना लेगा। देखिए समझने के बहुत से तरीके होते हैं, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो आयरन है ये कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर को भगा देगा, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है तो कम वाला चला जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर बन जाएगा FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा कॉपर, समझ में आया। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, दूसरा भी एग्जाम्पल है इसका, दूसरा एग्जांपल क्या है, हम लोगों ने क्या किया, देखिए कॉपर सल्फेट में क्या डाला हुआ है, आयरन नेट डाला हुआ है, हम लोगों ने अभी तो वही पढ़ा क्या पढ़ा, ये आयरन नेल है, आयरन नेल के साथ हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं कॉपर सल्फेट का। तो मैंने अभी भी आपको बताया, क्या बताया था मैंने अभी भी आपको ये बताया था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो कम वाले को भगा देगा और खुद उसके प्लेस पे आ जाएगा, तो बन जाएगा FeSO4, बन गया ऐसे FeSO4 प्लस कॉपर, भाई साहब बाहर निकल गए, समझ में आ गया गाइस। चलो ठीक है आगे देखते हैं अभी क्या लिखा हुआ है। अब देखिए आपके सामने एक रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या लिखा हुआ है आपको वही तो सीखना है,
रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है कि यू हैव गिवन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो देखिए सबसे कम रिएक्टिव किसको बताया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, गोल्ड को बताया है ना। चलिए एक मिनट मैं थोड़ा इसको और जूम कर लेता हूँ। हाँ सबसे कम रिएक्टिव किसको बताया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, गोल्ड को बताया हुआ है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसको बताया है, पोटेशियम को। ठीक है गाइस, मगर एक बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये गोल्ड से भी कम रिएक्टिव होता है प्लैटिनम, जिसको हम पीटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पीटी, दिस इज पीटी, पीटी से डिनोट करते हैं गोल्ड को, समझ में आया आपको। ठीक है, वो जो होता है वो मतलब गोल्ड से भी कम रिएक्टिव होता है, दिस इज कॉल्ड पीटी, कॉल्ड प्लैटिनम। सुनाओ यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर पे है पोटेशियम, सेकंड नंबर पे सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, एंड लास्ट में क्या होगा, प्लैटिनम, सबसे कम रिएक्टिव होता है। ओके गाइस, तो आपको याद रखना है क्या कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन है, अल्कली मेटल, कौन कौन है, सोडियम पोटेशियम। सबसे लीस्ट रिएक्टिव में तीन एलिमेंट के नाम लिखे जाते हैं, कौन कौन से, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम का। और मिडल में कौन है, देखिए मिडल में कौन है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। चलो गाइज, आपको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा ये एक्टिविटी के बारे में, है ना। ओके गाइज, इफ यू हैव एन डाउट देन यू मे आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स। ओके गाइज, एंड वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग के पास मेरे कोई सजेशन है तो वो सजेशन भी आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगेन, ओके बाय।